क्या खूब कहा है मुनव्वर राणा जी ने कि एक आंगन के दो आंगन हो जाते हैं, एक आंगन के दो आंगन हो जाते हैं, मत पूछ किस कारण हो जाते हैं। मत बांटा कर हुस्न की दौलत गरीबों में, ऐसे वैसे लोग भी महाजन हो जाते हैं। खुशहाली में तो सब होते हैं ऊंची जात, भूखे नंगे लोग हर जन हो जाते हैं। पर जब दंगा होता है राम की बस्ती में, हिंदू मुसलमान सभी रावण हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज विजय राय फ्रॉम vtokindia.com एंड योर वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। एंड टुडे अगेन आई एम गोइंग टू शेयर सम लर्निंग, सम एक्सपीरियंस विद यू गाइस। एंड टुडेज लर्निंग इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप। जो अब सी, हम सभी लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं, और कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमने देखा है चारों तरफ कि प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप रिश्ते नाते मम्मी पापा सब कुछ, कहीं ना कहीं सबके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। एंड व्हाट्स द बेसिक रीज़न कि ये रिश्ते बिगड़ क्यों रहे हैं? लेट मी शेयर अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी विद यू गाइस। एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक बार की बात है, एक हॉस्पिटल में बहुत ही परेशान फैमिली, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल में पहुंची। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहाँ उसने देखा कि डॉक्टर उपस्थित नहीं था, और जब डॉक्टर उपस्थित नहीं था तो डॉक्टर को फ़ोन किया गया, डॉक्टर को फ़ोन करके अर्जेंसी में बुलाया गया। और जब डॉक्टर अर्जेंट में आता है, जल्दी जल्दी में डॉक्टर आता है, तो जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है, जो बच्चे जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके पेरेंट्स उस पर नाराज़ होने लगते हैं कि तुम कैसे डॉक्टर हो, कितने लापरवाह डॉक्टर हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम कहाँ कहाँ घूमते फिर रहे हो। तो इस तरह से जितने भी परिजन थे उस बच्चे के, एक्सीडेंट वाले बच्चे के सब ने जली कटी बुरा भला कहा उस डॉक्टर को, लेकिन किसी ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। अब डॉक्टर किसी को रिप्लाई करता, उससे बेहतर उसने ये सोचा कि उन लोगों को साइड करते हुए वो बच्चे के पास पहुंचा, उसके ऑपरेशन थिएटर में गया और ऑपरेशन करने लग गया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही उस डॉक्टर ने जो बच्चा था उसके पेरेंट्स से मिला और मुस्कुराते हुए उनको बोला कि आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपका बच्चा सही सलामत है। वही लोग जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपको कोई चिंता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, अब उन लोगों ने फिर से दोबारा से डॉक्टर से कुछ बात करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग डॉक्टर से कुछ बात कर पाते, डॉक्टर जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस भी चला गया उन लोगों की बात सुने बिना। अब लोगों में और गुस्सा बढ़ गया और थोड़ा सा जो नफरत होती है वो बढ़ गई उस डॉक्टर को लेके। डॉक्टर जाने के बाद उसके पेरेंट्स ने, बच्चे के पेरेंट्स ने उस नर्स से पूछा कि ये डॉक्टर इतना अहंकारी क्यों है, घमंडी क्यों है, क्यों इसमें इतना एटीट्यूड भरा हुआ है कि ये किसी की बात भी नहीं सुनता, सिर्फ आया इलाज करके और चला गया और हॉस्पिटल में भी नहीं बैठता। तो उस नर्स ने रोनी सी सूरत, रुआंसा उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए बोल पड़ी, बोली, उसने सच्चाई बताया रोते हुए कि डॉक्टर साहब के बेटे की एक्सीडेंट में आज सुबह ही मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, और डॉक्टर साहब अभी शमशान घाट में थे, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, इसकी कॉल गई उन्हें, तो ये इसका इलाज करने, ऑपरेशन करने के लिए अर्जेंट में आए हैं, और दोबारा ये अभी वापस शमशान घाट ही जा रहे हैं, इन्हें अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है, अपने बच्चे का दाह संस्कार करना है। बस इतनी सी बात थी, और इतना सुनते ही जो वो घर वाले थे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप पर गिल्टी फील होने लगा, शेमफुल फील होने लगा, वो अपने आप पर पश्चाताप करने लगे। लेकिन अब उस पश्चाताप का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जितना उन्हें डॉक्टर को बोलना था उन्होंने डॉक्टर की बात समझी भी नहीं, उनसे पूछा भी नहीं कि क्या रीज़न था, बिना वजह जाने ही डॉक्टर को इतनी सारी चीज़ें जलीकटी सुना दी थी। अब खैर डॉक्टर तो चला गया, और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कहीं ना कहीं हम सभी लाइफ में ऐसा ही करते हैं, चाहे वो ब्रदर हो या मदर फादर हो, कोई भी देख लो, किसी भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इसी वजह से कोई भी रिलेशनशिप टूटती है कि हम सब सामने वाले की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। हर समय हमें बस ये लगता है कि बस हम सही हैं, सामने वाला गलत, सामने वाले ने सारी गलती सामने वाले ने की है, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, और हम बस ये सुनना ही नहीं चाहते कि सामने वाला कोई एक्सप्लेनेशन दे। एंड यस, नो डाउट एक्सप्लेनेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, इफ़ देर इज़ ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, राइट। तो ऐसे डेली बेसिस पे कितने रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बस सिर्फ इतनी सी बात समझने की है कि सामने वाले को एक मौका तो दो, उसकी सच्चाई तो जानो कि बिहाइंड द सीन कैमरे के पीछे है क्या, एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, राइट। सो होप यू गाइस गॉट द वैल्यू, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। यू विल ट्राई टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और योर फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, व्हाटएवर रिलेशनशिप, राइट, ट्राई टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप
लव अफेक्शन एवरीथिंग, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट लीव इवन अ लोन, आप सिंगल लाइफ लोनली भी नहीं जी सकते, स्पेंड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत बने रहना ज़रूरी है, एक फैमिली चाहिए, एक लोग चाहिए हमें जीने के लिए सोसाइटी में. सो ट्राई टू मेंटेन दैट ट्रस्ट, फेथ एंड इमोशंस. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए.